दोस्तों, मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको आईडी में टेपर एंगल है ऑलरेडी, और उसमें कॉर्नर में रेडियस और चैम्पर का, सिर्फ चैम्परिंग का प्रोसेस कैलकुलेशन कैसे होता है और चैम्पर एंगल में रेडियस कॉर्नर में कैसे उसका कैलकुलेशन होता है, वो मैन्युअली बिना ऑटोकैड के मैं वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए और वीडियो पूरी तरह से समझ के लीजिए, और आप एक मैन्युअल कैलकुलेशन कैसे कर रहे हैं वो एक अच्छी तरह से समझ के लीजिए, तभी आप एक प्रोग्रामर, अच्छा प्रोग्रामर बन सकते हो, कॉन्फिडेंस आ सकता है, किधर भी आप इंटरव्यू देने जा सकते हो टोटल। तो चलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और कॉर्नर में रेडियस कैलकुलेशन का कैसे करते हैं वो मैं तब बताता हूँ। दोस्तों, ये आईडी टेपर एंगल कॉर्नर रेडियस कैलकुलेशन है आपका। ये जॉब दिख रहा है, ये पूरा डायमीटर जो 100 mm का है उसकी जॉब की लंबाई 50 mm है, एक टेपर एंड डायमीटर जो है 40 है, एंड डायमीटर स्टार डायमीटर दिया नहीं है, एंगल पूरा दिया है 20 डिग्री दिया है, और एक कॉर्नर में एक रेडियस है 8 mm का टोटल। तो दोस्तों, इसमें अभी क्या क्या दिया है, पहले हम चैम्पर का कैलकुलेशन बताता हूं मैं आपको, और फिर बाद में ये रेडियस का कैलकुलेशन एंगल में कैसे करते हैं वो बताने वाला हूं टोटल। तो पहले हम अभी चैम्परिंग प्रोसेस देखने वाले हैं। तो पहले क्या होना है, इसमें ये पांच, कौन सा भी चैम्पर का आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो ये पांच पैरामीटर देखना चाहिए, और वो उसमें से कौन सा, तो आपको दो तीन दिया, कोई दो देता है कोई तीन देता है, फिर हमको तीन दिया तो दो निकालने पड़ते हैं और दो दिया तो तीन निकालने पड़ते हैं। तो इसमें कितने दिए हैं और कितने निकालने वो बताता हूं आपको। चैम्पर एंगल दिया है क्या, नहीं है, पूरा दिया है उन्होंने, ये नहीं है, ये निकालने का हमको। चैम्पर लेंथ दिया है क्या, इधर से इधर तक का टेपर का लेंथ कितना होता है वो दिया है 50, तो इधर लेंथ दिया है 50 mm है। और फिर चैम्पर वन साइड हाइट दिया नहीं है, वन साइड हाइट नहीं दिया है ना, इधर से मतलब दो डायमीटर होते तो वन साइड ये निकलता ना, हाइट नहीं है, तो ये भी निकालने का हमको। चैम्पर एंड आया, एंड आया तो दिया है 40, एंड आया मतलब स्टार्ट आया, इधर से बोरिंग करने वाले है ना हम, तो स्टार्ट आया उधर होगा, एंड आया इधर होगा, तो 40 दिया है उन्होंने एंड आया, और चैम्पर स्टार्ट आया इधर का नहीं दिया। तो ये दोस्तों आपको दो पैरामीटर दिए है, पांच में से हमको तीन निकालने का है, तो तीन निकालने के लिए पहले इंपॉर्टेंट कौन सा है वो समझ के लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये जो टेपर लाइन है ये हो गया, फिर इधर से ये होता है, फिर इधर से ये होता है, तो ये दोस्तों ये हाइट होता है आपका, ये एंगल होता है, ये माने एंगल होता है, और ये लेंथ होता है, और ये डायमीटर दिया है उन्होंने 40 डायमीटर दिया है, ये 40 डायमीटर दिया है, ये लाइन है, और ये टेपर लाइन एंगल की होगी, ये एंगल कितना है वो मालूम नहीं है हमको, हाइट कितना है इधर से ये मालूम नहीं है, ये टेपर से, ये एंगल के टेपर से नहीं है। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, एक डायमीटर लेंथ दिया है मगर एंगल नहीं, हाइट नहीं, अभी ये निकालने के लिए इसी एंगल इंपॉर्टेंट है, तो पहले चैम्पर एंगल निकालना पड़ेगा। चैम्पर एंगल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये सेंटर लाइन मारना पड़ेगा, और फिर ये डायमीटर के इधर से, मतलब समझो ये सेंटर लाइन मैं मार रहा हूं ऐसा, और मैं ऐसा जोड़ रहा हूं ये इसको, ये ऐसा ही है ना, क्योंकि टेपर है, जब ये ऐसा आएगा इधर से तो ये ऐसा, ये करने का मतलब जब एक ही एंगल देता है दोनों में मिला के, तो ये ऐसा ट्राई करने का, ये सेंटर लाइन को ये हमने जोड़ दिया, मतलब इधर जो एंगल है वही रहेगा ना, 20 है तो ये कितना रहेगा, ये दोनों का हाफ करेंगे तो इधर 10 ही आएगा ना टोटल, छोटा से छोटा, तो ये जो एंगल हमारा दोस्तों, इधर मेरा डायमीटर है समझो, ये 40 डायमीटर है मेरा, ये 10 है तो इधर भी मेरा 10 ही रहेगा ना, ये डायमीटर जब निकलेगा तो ये डायमीटर का लाइन है ये 10, तो ये 10 डिग्री एंगल आ गया, जो इधर आता है एंगल वही इधर रहेगा ना, ये सेंटर लाइन है, ध्यान रखिए। तो हमारे कोन का जो एंगल है दोस्तों ये 10 डिग्री आ गया, ध्यान रखने का, उसका हाफ करने का बस, मगर सेंटर से ऐसा डायमीटर से, फिर वो डायमीटर से एक लाइन आता है ना, जब सेंटर से निकलता है वही डायमीटर से निकलेगा ना, मतलब इधर से ये डायमीटर से ये 10 डिग्री आ गया, ध्यान रखिए। तो डिग्री निकालने का ऐसा है दोस्तों, तो ये हमारा चैम्पर जो एंगल है कोण का, चैम्पर एंगल जो त्रिकोण का बोलते हैं ना हम, त्रिकोण का कितना आया दोस्तों, 10 डिग्री आ गया, तो ध्यान रखिए। तो इधर जो चैम्पर एंगल है मेरा
10 डिग्री आ गया। तो दोस्तों ये हमारा चैम्फर एंगल का पहला ये हो गया टोटली। अभी ये डिग्री मिल गया, लेंथ मिल गया, अभी हाइट निकाल सकते हैं ना, डिग्री और ये इनटू करेंगे तो हाइट निकलेगा। तो अभी हमको चैम्फर लेंथ है, एंगल दोनों आया है, तो उसके आधार के ऊपर हम हाइट निकाल सकते हैं। तो अभी चैम्फर वन साइड हाइट हमको 3 नंबर का जो पॉइंट है वो निकालने का है टोटल। तो दोस्तों पहले क्या देखना है, ये कोण देखना है। अभी इधर क्या दिया उन्होंने, 10 डिग्री एंगल, तो ये दोनों के इनटू करेंगे तो हाइट निकलेगा। तो चैम्फर वन साइड हाइट निकालने के लिए एच बराबर क्या करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला, ये जो निकालने के लिए हमको टेन थीटा चैम्फर का हाइट या लेंथ निकालने का, तो टेन थीटा के बगैर कौन सा भी लेने का नहीं, अपोजिट डिवाइडेड एडजस्टेबल, ये सूत्र द्वारा ही करना है, ध्यान रखिए, उसमें साइन कॉस का कोई संबंध नहीं है। हाँ, तो डिवाइडेड एडजस्टेबल ये सूत्र रहेगा, ये लंब या आधार। तो एच बराबर क्या रहेगा, टेन कितना है मेरा, 10 डिग्री है, 10 डिग्री अपोजिट मानी एच हो गए और एडजस्टेबल मानी लेंथ हो गए। तो अभी हमको क्या क्या दिया है वो ये करने का टोटल। तो एच बराबर क्या रहेगा, 10 10 10 डिग्री है, एच बराबर दिया नहीं है, यल कितना दिया है, 50। हाँ 50 लंबाई दिया है ना, ये टेपर का एंगल लंबाई, तो तभी हाइट निकलेगा ना। तो एच ये बाहर आएगा, एच हम इधर बाहर लेके आए, एच बराबर बाहर आ गया, तो ये इंटू में कन्वर्ट होगा, 10 10 इंटू 50 करेंगे तो 682। ये दोस्तों 8.682 तो ये वन साइड का हाइट मिल गया, लेंथ मिल गया, एंगल मिल गया, डायमीटर। अभी ये डायमीटर निकालना पड़ेगा। तो इधर जो हाइट है चैम्फर का वन साइड हाइट 8.682 mm ये मिल गया, ध्यान रखिए। तो ये दोस्तों ये डिग्री और ये हाइट मिल गया। अभी हमको चैम्फर स्टार्ट डायमीटर निकालने का है टोटल, तो वो देखेंगे दोस्तों। अभी ये तो समझ में आया होगा टोटली आपको, होना पड़ेगा टोटल। तो अभी तो दोस्तों अभी हमको क्या निकालने का है, हाइट चैम्फर का हाइट निकालने का है। तो ये वन साइड हाइट आ गया है टोटल, ये डिग्री की वजह से और ये लेंथ की वजह से, ये डिग्री 10 डिग्री है। तो ये एच वन और एच टू हाइट निकालने का है, तो एच वन प्लस एच टू बराबर टोटल हाइट। एंड डायमीटर प्लस टोटल हाइट बराबर चैम्फर स्टार्ट है। ये दोस्तों ये सूत्र से होगा टोटल। तो एच वन एच बराबर कैसे रहेगा, एच वन माने कितना है, 8.682 प्लस 8.682 बराबर 60 आ गया टोटल हाइट। फिर एंड डायमीटर हमारा कितना है, चैम्फर एंड डायमीटर 40 है, 40 प्लस 17.364 आ गया, तो बराबर 57.364 ये चैम्फर स्टार्ट डाया आ गया। तो दोस्तों टोटल ये इधर का टोटल, ये जो टेपर एंगल है, तो ये दोस्तों चैम्फर का 57.364 ये एंड आया, ये स्टार्ट आया, चैम्फर का स्टार्ट आया, ये एंड डायमीटर है टोटल। तो दोस्तों ये चैम्फर के 5 पैरामीटर अभी कैलकुलेशन करके रेडी हो गए। अभी हमारा जॉब कैसे बन गया टोटली, क्योंकि ये अभी ये डायमीटर मिल गया, लेंथ मिल गया और ये भी डायमीटर। अभी हमने चैम्फर का पहले कैलकुलेशन देखा। अभी आईडी में टेपर के एंगल में एक कॉर्नर में जो रेडियस है उसका कैलकुलेशन करने के लिए इतने पैरामीटर आपके पास कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो पहले इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें कुछ सिर्फ 8 mm का एक रेडियस दिया है, मगर बाकी सब आपको कैलकुलेशन करके निकालने पड़ते हैं टोटल। तो उसमें पहला जो रहता है ये कोण जो है, त्रिकोण हमारा ये ऐसा कोण निकालना पड़ता है, वो डिग्री के हिसाब से रहता है। तो ये डिग्री माने ये माने एंगल, ये पहले निकालना पड़ेगा हमके, अगेंस्ट आएगा वो एक्स वैल्यू निकलेगा।
फिर उसके बाद हम यल लेन निकलेगा, एक्स निकलेगा तो एंगल निकलेगा एक्स, एक्स के बाद यल निकलेगा, यल के बाद अभी हमको टोटल हाइट निकालने का, ये हाइट आएगा टोटल यहां से यहां तक का। फिर वो हाइट जो आया है, हाइट आने के बाद क्या होगा टोटली आपको, फिर ये वो हाइट का डिवाइडेड टू करना पड़ेगा, उसमें एच वन और एच टू करना पड़ेगा, वो डिग्री से ही रहेगा टोटल, वो हाफ डिग्री से रहेगा, ये इधर का एक डिग्री रहता है टोटल, वो हाफ डिग्री करके उसका ये करना पड़ेगा टोटल, ये एंगल से ध्यान रखिए। तो ये ऐसे आपको छह पैरामीटर हमको कैलकुलेशन करना है, ये रेडियस का जो पैरामीटर निकालने के है वो, उसके लिए सूत्र जो रहता है उसमें साइन कॉस टेन थीटा इसको यूज करना पड़ता है दोस्तों। तो अभी पहला हमारा क्या है, चैम्फर रेडियस एंगल निकालने का है दोस्तों। तो दोस्तों हमको चैम्फर रेडियस एंगल निकालने का है, तो ये 10 डिग्री एंगल है ऑलरेडी इसका 10 डिग्री, मगर ये त्रिकोण का इधर जो ये मतलब ये कोण आ गया है टोटल, ये चैम्फर मतलब ये स्टार्ट डाया है टोटल, मतलब इधर कोई तो है स्टार्ट डायमीटर इधर है ऐसा, ये स्टार्ट डायमीटर है मगर ये डायमीटर मालूम नहीं है, मगर पहले उसके लिए ये एंगल निकालना है हमको टोटल। तो एंगल निकालने के लिए ये ऐसा एक टेपर लाइन मारना पड़ेगा, मतलब ये जो एंगल है मतलब इधर का जो एंगल होता है, ये जो टेपर का एंगल कितना है टोटल, इधर से भी जो भी ये रहेगा वो एंगल 10 ही रहेगा ना टोटल, ये जो लाइन जा रहा है टेपर का ये लाइन 10 डिग्री एंगल है, तो ये भी 10 डिग्री रहेगा। तो अभी ये सीधा स्ट्रेट लाइन है और ये ऐसा क्रॉस जाएगा इसकी वजह से, कोण की वजह से, तो ये दोस्तों क्या रहेगा राइट एंगल, ये मतलब ये आपका 80 डिग्री रहेगा, ये जो डिग्री है ये इधर से ये टेपर डिग्री 80 है, ये 10 90 डिग्री हो गया ये राइट एंगल ये। फिर ये राइट एंगल का ये 80 डिग्री रहेगा टोटल, तो ये भी 80 डिग्री रहेगा इसके अपोजिट, फिर ये आपका 10 डिग्री रहेगा, तो ये हमारा जो कोण है एंगल का उसका 10 डिग्री आ गया टोटल, ध्यान रखिए। और ये मतलब ये राइट एंगल अभी कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, दोनों मिला के ये 90 डिग्री हो गया, फिर ये इधर भी 80 डिग्री रहेगा इसके अपोजिट, तो ये राइट एंगल 90 डिग्री हो गया, फिर ये राइट एंगल 90 डिग्री हो गया, फिर ये राइट एंगल 90 डिग्री हो गया। तो ये कोण का जो हमारा त्रिकोण का एंगल कितना आया दोस्तों, जो ये लेंथ निकलता है। तो दोस्तों इसी तरह से हमने एक्स ये त्रिकोण का एंगल 10 डिग्री आ गया, उसके अगेंस्ट अभी लेंथ और ये निकला है, पहले एक्स वैल्यू निकालेंगे। तो अभी एंगल आपको समझ में आया होगा, अभी हमारा दूसरा चैप्टर लेते हैं। तो इधर पहला जो चैप्टर आया ये 10 डिग्री आ गया टोटल। तो दोस्तों अभी दूसरा एक्स वैल्यू का निकालेंगे टोटल। तो दोस्तों अभी हम दूसरे नंबर का देख रहे हैं एक्स वैल्यू, एक्स वैल्यू माने ये अपोजिट होता है, एक्स वैल्यू इधर होती है उसको अपोजिट बोलते हैं हम टोटली, और साइन में तो साइन थीटा इजिकल टू अपोजिट डिवाइडेड हाइपोटेनस, ये सूत्र का यूज करना पड़ेगा ध्यान रखिए एक्स वैल्यू निकालने के लिए। तो एक्स साइन थीटा अपोजिट डिवाइडेड हाइपोटेनस ये रहेगा, तो एक्स बराबर साइन कितना है हमारा 10 डिग्री आया है ना, हो गया आपका अपोजिट माने एक्स है वैल्यू, और हाइपोटेनस माने क्या है 8 है रेडियस, जितना चंप रेडियस है वो वैल्यू रहेगा। तो एक्स को हम इधर बाहर लेंगे, एक्स बराबर तो ये इनटू में कन्वर्ट होगा साइन 10 इनटू 8, तो एक्स बराबर 2389 mm, ये एक्स का वैल्यू आ गया दोस्तों टोटल, ध्यान रखना 1.389 ये एक्स का वैल्यू आ गया दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक कोण का जो एक्स वैल्यू होता है 1.389 ये एक्स का वैल्यू आ गया टोटल। अभी हमको दोस्तों तीसरा नंबर चैम्फर रेडियस लेंथ निकालने का है, तो वो देखेंगे हम टोटल। अभी चैम्फर रेडियस लेंथ माने यल बोलते हैं उसको, लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइपोटेनस वैल्यू हाइपोटेनस माइनस एक्स वैल्यू
एक्स वैल्यू बराबर यल, यल निकलेगा। तो दोस्तों ये सिंपल तरीका, हाइपोटेन्यूज कितने का 8 mm, माइनस 1.389 ये एल जो एक्स का वैल्यू आया हमने माइनस किया, और हाइपोटेन्यूज कितना है 8 mm ना, तो यल बराबर। तो दोस्तों ये आपका चाम एल होता है, एक्स होता है, ये टोटल मिला के 8 होता है, जितना रेडियस रहता है ये 8 है टोटल एक्स और एल मिला के। तो हमने वो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया, जितना उसका रेडियस रहता है, ये रेडियस 8 है ना, तो उसके हिसाब से ये टोटल एक्स और एल मिला के 8 रहता है टोटल। तो हमारा एक्स इधर से माइनस हो गया है, एक्स हमारा कितना आ गया टोटल 1.389, ये माइनस करेंगे तो इधर से इधर कितना आ गया टोटल 6.610, मतलब ये यल आ गया हमारा चैम्फर का लेंथ कितना आ गया 6.610, ये आ गया टोटल। ये जान लेते अभी चैम्फर रेडियस हमको हाइट निकालने का टोटल, तो उसके लिए हमको हाइट निकालने, तो दोस्तों अभी हाइट निकालने के लिए हम क्या करने वाले, ये वैल्यू के अगेंस्ट ही हम ये एच निकालने वाले, ये एच हमको निकालने का। तो अभी हमको क्या करने का, ये इसके आधार के ऊपर ये हाइपोटेन्यूज 8 है, उसका एक्स का वैल्यू निकालने के बाद हम इसका हाइट का, ये हाइट के अगेंस्ट ही हम निकालने वाले। तो हमको साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट डिवाइड, तो एच बराबर मतलब लेंथ भी एक्स का भी वैल्यू और हाइट का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। साइन कितना है मेरा 10 डिग्री है, डिवाइडेड हाइपोटेन्यूज 8 है, तो एक्स हम बाहर बाजू एक्स को बाहर निकाल लिया, तो साइन क्या रहेगा 10 × 8 रहेगा, तो 1.389 ये वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया। अभी वही वैल्यू को क्या करना है, डिवाइडेड 10 10 डिग्री करना है, तो उस एच बराबर कितना आएगा आपका 7.8। ये आपका ये एच का ये वैल्यू आ गया इधर से इधर तक का, तो वैल्यू आ गया दोस्तों टोटल एच माने इधर से इधर तक का, ये एक साइड का, ये वन साइड है। तो इधर दोस्तों चैम्फर रेडियस हाइट हमारा कितना आ गया 7.878, ये चैम्फर हाइट निकल के आ गया टोटल। दोस्तों ये सूत्र द्वारा साइन से भी और कॉस से भी आप निकाल सकते हैं इसको, मतलब डायरेक्ट आप कॉस से क्या करेंगे, कॉस से भी बता देता हूं, मतलब आपको दोनों फॉर्मूले ध्यान रखेंगे, मगर इम्पोर्टेंट क्या होता है ये वैल्यू के अगेंस्ट निकालेंगे तो प्रॉपर आता है, मगर आप कॉस से भी इसका वेरीफाई कर सकते हैं। समझो कॉस से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कॉस कितना है अपना 10 डिग्री, कॉस 10 डिग्री इंटू हाइपोटेनिस माने 8 करेंगे तो बराबर 7.878, ये ध्यान रखिए दोस्तों, ये ऐसा ये वैल्यू ऑटोमेटिक कॉस से भी आप निकाल सकते हो, डायरेक्टली वैल्यू आएगा, मगर प्रॉपर जो वैल्यू रहता है ये डिग्री और एंगल की सब जी वैल्यू के अगेंस्ट हाइट निकलेगा तो वो प्रॉपर सही रहता है ये, मगर आप वेरीफाई के लिए कॉस भी यूज कर सकते हैं टोटल। तो हमने अभी 4 नंबर का चैम्फर रेडियस हाइट निकाल लिया है दोस्तों, अभी हमारा 5 नंबर का देखेंगे टोटल दोस्तों कैसे होता है उसका। एच वन माने जो हमारा हाइट आ गया है अभी ऐसा, ये कितना आ गया है हमारा हाइट इधर है 7.878, ये हाइट वैल्यू आ गया है डिग्री। अभी ये डिग्री कितना है आपका 10 डिग्री है, 10 डिग्री के हिसाब से एक्स का वैल्यू आ गया, ये हाइपोटेन्यूस है आपका, अपोजिट है, एडजस्टेबल है। अभी हमको क्या है, ये डिग्री कितना है, ये 10 है तो ये कितना डिग्री रहेगा, ये 80 डिग्री है ध्यान रखिए, मगर ये 80 डिग्री का भी हमको ये हाइट डिग्री के हिसाब से ही डिग्री हाफ करके आपको ये करना है टोटल। ये जो हाइट आया है टोटल वो हाइट का डबल करना है, माने इधर से उसको हाफ डिवाइडेड करना है, इसको H1 बोलते हैं ये,
एक साइड का जो एच वन हमको निकालने का ये होता है वो डिग्री द्वारा, तो ये 80 डिग्री है तो एक साइड कितना रहेगा, एक साइड 40 रहेगा और एक साइड 40 रहेगा, ये ध्यान रखिए। 40 डिग्री से ये हमको हाइट निकालने का है टोटल, 80 डिग्री का डिवाइडेड, ये 80 डिग्री डिवाइडेड 2 करेंगे तो 40 डिग्री आ गया। एच वन निकालने के लिए हमको डिग्री कितना आया, डिग्री 40 आ गया, ध्यान रखिए। अभी 40 डिग्री से क्या करना है, उसको एच वन निकालना है, तो कैसे निकालने का है, एच वन बराबर 10, कभी भी 10 थीटा यूज करना है, ध्यान रखिए। 10 थीटा कितना है डिग्री हमारा, 40 डिग्री है, 40 डिग्री इंटू हाइपोटेनिस माने रेडियस कितना है वही वैल्यू लेना है 8, तो एच वन बराबर कितना आएगा, एच वन बराबर 6.71, इतना ये वैल्यू एच वन का आ गया, ध्यान रखिए। ये एच वन माने था जब इधर, अभी एच वन हमारा कितना आ गया टोटली, यहां से यहां तक सेंटर से मतलब हाफ करेंगे तो अलग आता था, तो कभी भी डिग्री से यह करना है तो कितना आ गया, 6.710 आ गया यहां से यहां तक का, क्योंकि ये डिग्री का मतलब कैसा था, वो ऐसा टेपर था और टेपर में ऐसा रेडियस था, तो ये जो आपका इधर से इधर तक का हाइट वैल्यू आया, ये हाइट वैल्यू इधर जो डिग्री था, जो हमारा ये डिग्री हो गया, इधर 40 हो गया और इधर 40 हो गया, ये टोटल इधर से इधर तक का हाइट हमको ये है 7.8, तो ये अभी ये इधर से इधर तक का मतलब कितना है, 6.710 इतना आ गया, ये वैल्यू एच वन, उसको एच वन बोलते हैं दोस्तों। तो ये 7.1, ये कितना आ गया, 6.710 आ गया टोटल, ये हाइट में रहता है ना, एच वन आ गया है टोटल, ये ऊपर की साइड का रहता है कभी भी नीचे साइड का नहीं, और जो रहता है उसमें से वो निचले साइड का हाइट रहता है टोटल। अभी इसके नीचे का कितना आएगा, जो इसमें से माइनस रहेगा ये 1.17 रहेगा, ध्यान रखिए, ये एच टू का रहेगा वैल्यू, ये अभी दोनों भी मिल गए हमको, ध्यान रखिए, एच वन और एच टू 1.17, मतलब ये टोटल था, टोटल में से ये इतना गया, फिर रह गया इतना रह गया, तो एच वन भी एच टू भी मिल गया अभी, तो एच वन एच टू किस लिए, हमने क्या किया, 7.878 माइनस 6.710 माइनस करने के बाद 1.17 ये एच टू का वैल्यू आ गया, ध्यान रखिए दोस्तों। ये तो ये एच टू का इधर वैल्यू लिखा है मैंने, अभी उसके हिसाब से हमको 0.1 और 0.2 का डायमीटर निकालने का है, मगर उसके लिए रिफरेंस ये इंपॉर्टेंट डायमीटर होता है हमको टोटल, तो वो निकाले। अभी हमारे पास ये 57.364 ये डायमीटर है, ये रेफरेंस का डायमीटर है, इधर का डायमीटर आपके पास नहीं है, ये 0.1 का डायमीटर नहीं है, 0.2 का, अभी ये 0.1 का हमको डायमीटर निकालने का, तो ये 0.1 का डायमीटर निकालने के लिए हमने ये 7 नंबर पॉइंट लिया है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये जो हाइट है एच वन को क्या करने का, इंटू टू करने का, बराबर टोटल हाइट आएगा, टोटल हाइट में क्या करने का, टोटल हाइट आने का टोटल है रिफरेंस डाया प्लस टोटल हाइट, ये कितना है, 0.1 का जो हाइट आया है मेरा कितना है, 0.1 का 6.710 रेफरेंस टाइम के ऊपर का ही वैल्यू आया ना, वो ये वैल्यू है मेरा, तो उसको क्या करना है, मुझे रेफरेंस आया कितना है उसको डबल करना है ना, तो अभी हमको एच वन 0.1 आया, कितना है एच वन 6.710 इंटू टू एक्स दोन दर लेना थी सर, 13.42 एक्स दोन नहीं इंटू दोन है, दे
13.42 कितना है, 53,364 प्लस लिखा है टोटल हाइट कितना है 13.420 है, 70.84 पॉइंट वन का ये डायमीटर आ गया, 0.1 डायमीटर ध्यान रखिए, 70.784 70.784 ये एक नंबर का ये डायमीटर आ गया टोटल दोस्तों। अभी उसका दो नंबर का डायमीटर हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी दो नंबर डायमीटर निकालने का है, अभी 0.1 का तो डायमीटर निकला, अभी 0.2 का डायमीटर निकालने का है, तो वो अभी क्या देखेंगे हम टोटल 0.2 का मतलब ये इधर से इधर तक का डायमीटर कितना है वो मालूम नहीं, रेफरेंस मिल गया एक नंबर का मिल गया, तो अभी हमको दो नंबर का चाहिए, तो दो नंबर के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको क्या देखना पड़ेगा, पहले ये हाइट कितना है मेरा, हाइट कितना है टोटल, h बराबर से यहां से यहां तक का h, तो अभी हमको क्या करना है चैम्पर रेडियस हाइट के लिए हमको ये दो नंबर का डायमीटर निकालने का है, तो ये जो हाइट आया रेडियस, इधर रेडियस 8 mm का है, तो टोटल हाइट निकला था हमको ये चैम्पर रेडियस है, अभी हमको उसके आधार के ऊपर डायमीटर निकालने का है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, चैम्पर रेडियस हाइट 0.1 डायमीटर, 0.1 डायमीटर बराबर 0.2 डायमीटर। तो दोस्तों इसका ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमको, और रेडियस हाइट कितना है फर्स्ट साइड का, एक साइड का ये रहेगा 7.878 और फिर सेकंड साइड का हाइट प्लस कितना उतना ही 7.878 रहेगा, मतलब ये इधर से इधर तक का हाइट हो गया वो, और दूसरा ये साइड का हाइट, ये इधर से इधर तक का हाइट जो है एक साइड का और ये दूसरी साइड का हाइट, तो ये दोनों हाइट मिला के हमको टोटल ये करना है, तो कितना कितनी साल हो दोनों मिलो ना, टोटल हाइट जो आया 15.756 ये टोटल हाइट आया, एच माने टोटल हाइट, ये टोटल हाइट हमको इतना आ गया, माइनस 0.1 डायमीटर, ये माइनस 784 70.784 ये 0.1 का डायमीटर है ना, 0.1 डायमीटर माइनस करना है, ये माइनस का सिंबल है, बराबर कितना 0.28 आ गया टोटल, तो ये 0.2 डायमीटर है ध्यान रखिए, 0.2 डायमीटर आ गया टोटल। तो दोस्तों ये जो डायमीटर आया है टोटल वो डायमीटर 55, तो ये दोस्तों ये डायमीटर मिल गया हमको टोटली। तो अभी दोस्तों ये हमारे 8 पॉइंट टेपर एंगल रेडियस का ये 8 पॉइंट द्वारा हमने ये सब मैनुअल कैलकुलेशन कैसे किया जाता है मैंने आपको अच्छी तरह से बताया टोटल। अभी मैं इसका आपको समझ में आया होगा कि कैसे किया है क्या नहीं, आपको मैं अच्छे तरीके से, थोड़ा बड़ा वीडियो हुआ है मगर आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि कैसे, क्योंकि कैलकुलेशन ही उतना होता है ना, पड़ा पूरी तरह से वीडियो देखिए और समझ के लीजिए। अभी मैं उसको कोऑर्डिनेट निकाल के कोऑर्डिनेट देखने वाले हैं, तो हमने जो ये टेपर एंगल था एंगल के रेडियस में जो कोऑर्डिनेट निकाला है टोटल 8 पॉइंट द्वारा निकाला है, अभी उसके कोऑर्डिनेट जो है पहला जो 0 से 1 माने 0 सेंटर में होता है एक्स और एक नंबर पॉइंट इधर है, तो उधर एक्स कितना है मेरा 70.700, तो कोण 70.784 ये पहला डायमीटर रहेगा, और उधर जेड क्या रहेगा, जेड 0.0 रहेगा, रेडियस नहीं है ध्यान रखिए, और इधर एक फीड रहेगा टोटल एफ माने फीड, तो इधर G1 को फीड हम कितना दे रहे हैं 0.1 दे रही है, तो एक नंबर पॉइंट का एक्स जेड और ये हो गया, अभी दो नंबर का रेडियस मार रहा है, तो इसलिए G0 टू क्लॉक वाइज है रेडियस यहाँ से यहाँ तक, तो एक्स मेरा कितना है उधर एक्स 55.028 रहेगा ध्यान रखिए 55.028
0.28। और जेड माइनस कितना रहेगा, चैम्पर की लेंथ कितना है, चैम्पर रेडियस लेंथ 6.610 रहेगा, टोटल 6.610 रहेगा। और इधर आर कितना रहेगा, 8 mm का रेडियस है वो रहेगा, और फिर सेम रहेगा। तो इधर ये G2 देंगे तो x55.028, ये डायमीटर है दो नंबर का मेरा, हो गया। फिर तीन नंबर का G01 स्ट्रेट टेपर आ रहा है, मगर G1 होता है वो, तो x मेरा कितना है, ये डायमीटर है 40, 40.0। z माइनस कितना रहेगा, 50.0, ये नहीं, सेम रहेगा ये टोटल। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने क्या किया है, एक आईडी टेपर एंगल कॉर्नर रेडियस का कैलकुलेशन कैसे करना है क्या नहीं, मैंने पहले चैम्पर के पैरामीटर आपको निकाल के दिखाया 5, और जो टेपर एंगल के कभी भी रहते हैं तो ये 8 रहते हैं टोटल, इसलिए उसको टाइम होता है। तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट निकाल के ये दिखाया। अब ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ वीडियो के बारे में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।